आज खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस है और खेले में मौसम तो आने वाला सबको एक साथ कर दो, सबको एक साथ कर दो, हाँ आराम अरे सभी हो गया क्या सब ओके है क्या ओके 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 नॉर्मल लोग नॉर्मल शुरू कर सकते ओके अरे तो 10 मिनट की खबर आ गई गाड़ी आप एक एक बार हेलो हेलो बोल टेस्टिंग करवा दो एक बार हेलो हेलो बोल हेलो आ रही आवाज अच्छा आ रही आवाज आ रही क्या आ रही आप बोल रहे नहीं नहीं वो कैमरा में वो कैमरे में आप सबका यहाँ स्वागत है। पिछले वैसे तो काफी समय से मैं देख रहा हूँ लेकिन पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर और जल जीवन मिशन के कामों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार आक्रामक होते रहे आरोप लगा कल भी उन्होंने कहा कि जेजेएम को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को अच्छा नहीं लगता है कि राजस्थान की परफॉर्मेंस अच्छी थी जबकि सच्चाई यह है कि राजस्थान में जेजेएम को लेकर बहुत गंभीरता से काम हुए हैं हमारी प्रक्रिया उन राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है जिन राज्यों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो पैरामीटर्स उन्होंने बना रखे हैं उन पैरामीटर्स में इनको ऊंचा दिखाया गया उनसे उन राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत बेहतर और ज्यादा काम है जहां थोड़ा सा काम हुआ है वो उसको ज्यादा मान रहे हैं उन्होंने पैरामीटर्स इस तरीके के बना रखे हैं कि राजस्थान की परफॉर्मेंस खराब ही दिखे सब जानते हैं कि राजस्थान में पेयजल को लेकर कितनी विषम परिस्थितियां हैं पूरे देश का 10% से अधिक भूभाग हमारे पास है लेकिन पेयजल हमारे पास तो 1% से थोड़ा सा कम हमारे यहाँ जो परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ जगह बादल बहुत नीचे है हमारे यहाँ कोई ऐसी बारहमासी नदी नहीं है जिससे हम पेयजल लगातार ले सकें हमारे आबादी बहुत छुपाई हुई है और हर तरीके की जमीन हमारे पास है पथरी भी है रेती भी है ऐसी परिस्थितियों में जहाँ हमारा जेजेएम में औसत खर्चा एक कनेक्शन का
वो लगभग 70-72 हजार रुपये आता इतना पड़ रहा हो। तो इस तरीके की बातें करना कि राज्य सरकार ने काम नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ये राज्य का अपमान करता है, उन लोगों का अपमान है जिन्होंने हमारे भाग के लोग जिन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में विषम से विषम परिस्थिति में अच्छा काम करने की कोशिश की। हमारे यहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं जयपुर शहर की बात करूँ, बीसलपुर से जो पानी आता है, बीसलपुर से जो हमारे पानी आता है वो जयपुर आते आते करीब 250-300 मीटर उसको लिफ्ट करना पड़ता है। जयपुर वासियों को उसका आभास ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को 250-300 मीटर पानी वहां से जहां से इसका स्रोत का पानी का तब जाके जयपुर वालों से जयपुर वासियों को और यहाँ से जो लोगों को पानी मिलता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे भाग के इंजीनियर अधिकारी कर्मचारी सब पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हमारे जो बीसलपुर से पाइप लाइन आती है उसमें बड़ा वाल लीकेज है, 3 जगह लीकेज आ गया। अब हमारी परिस्थितियां क्या है, काम करते करते कोबरा सांप निकल आया और एक कर्मचारी को कोबरा में अटैक कर दिया, तो भगवान की दया थी उसके हाथ में लाठी थी तो उसने ऊपर अटैक कर दिया घेरे के तरफ, उसने लाठी से सामने लगाया, उसका भाग गया चलता तो बच गया। इन परिस्थितियों में हमारे लोग काम करते हैं। फिर जब केंद्रीय मंत्री इस तरीके की बात करते हैं तो दो को अभी हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं लेकिन उसमें खर्च के हिसाब से हम दूसरे नंबर पर, हमने 16,000 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा जेजर पर खर्च किया है अब तक, और जो परफॉर्मेंस जो पैरामीटर है उसके हिसाब से भी अब हम 12वें नंबर पर। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ ये तो उनके पैरामीटर थे, लेकिन आप ये देखिए जिन राज्यों में काम बहुत कम हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमसे ऊपर है राजस्थान की जो 12वीं रैंक उन्होंने बताई है, आप ये देखिए एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो हमसे ऊपर है इनका खर्चा भी हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां की आबादी भी ज्यादा है। हमने कहा 2 नंबर जो महाराष्ट्र आता है उन्होंने पैसा खर्च किया 10,396 करोड़, 3 नंबर पे बिहार आता है उन्होंने पैसा खर्च किया 1960 करोड़, गुजरात जो प्रधानमंत्री का अपना खुद का जो राज्य है गुजरात ने खर्च किया है 13,887 करोड़, तमिलनाडु जो 5वें नंबर पर आता है उसका खर्चा तो 3,635 करोड़ ही है, तो उन्होंने किया। मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा नहीं, मध्य प्रदेश में 15,445 करोड़ रूपये खर्च हुए, कर्नाटका 10,380 करोड़, आंध्र प्रदेश जो 8वें नंबर पर है उसमें 1998 करोड़ खर्च हुए हैं, ऐसे पश्चिम बंगाल ने भी 11,195 करोड़ खर्च किए हैं, तेलंगाना आश्चर्यजनक रूप से तेलंगाना का खर्चा 469 करोड़ और 10वें नंबर में हम सबको फायदा होगा, उड़ीसा 9,064 करोड़ और हमसे ऊपर 11वें पोजिशन पर है और हमने खर्च किया है 16,586 करोड़। इतना अधिक खर्च करने के बाद भी अभी भी हमको 12वां नंबर खर्च कर, ये पैरामीटर्स ऐसे बनाए हैं जिसमें राजस्थान पिछड़ा हुआ है। पहले जो जिसके जितने कनेक्शन थे
ये राजे वो हैं जिनमें पहले से कमिश्नर लोगों के पास उनको उन्होंने जेजे में मांगी। आप बताइए जिसमें 70% कमीशन पहले से उन 70% या 70% कमीशन को आप जेजे में पहले उनको जेजे में जोड़ दिया, ये कैसे कह रहा हूँ? परफॉर्मेंस को जो किया गया काम है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई तरीके से मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बयान को गलत बनाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि राजस्थान का जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना धर्म निभाए, राजस्थान को अतिरिक्त सहायता कराएं। तक कोई अतिरिक्त सहायता गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने राजस्थान के लिए नहीं कर पाया, उनके मंत्रालय से संबंधित काम भी हासिल किया उसको उन्होंने हटा दिया। आप सोचिए 2017 में डीपीआर 2018 में सरकार ने पुलिस को डायमंड बोल रहे हैं, अगर उस डीपीआर में कोई कमी होती तो एक साल में मंत्रालय बता देता है कि प्रधानमंत्री जी आप बोलिए डीपीआर में कमी है, और अगर बोल भी रहे हैं तो इन कमियों के साथ ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी कमियों की तरफ पूरी संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक तरीके से इसको निर्णय करेंगे, ये बात प्रधानमंत्री ने अजमेर में भी बोली और जयपुर में भी। अभी जब अजमेर में दोबारा आए तो हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी उसी स्थान पर आए अजमेर में 2018 में उन्होंने ढाई महीने तक स्थिति के बारे में कहा, तो दो राइट बोल के भाई मैं ईआरसी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करता हूँ, हम तो ये कुछ कर रहे हैं। वो भले साहब में ये बोलते थे मैं कांग्रेस सरकार के राजस्थान सरकार की डिमांड पर नहीं कर रहा, मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो भी हमें खुश हूँ, लेकिन एक सब नहीं होती। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो बार बार राजस्थान को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता का अपमान है, राजस्थान विभाग ने बहुत अच्छा शानदार काम किया है। मैं मेरे विभाग के सारे अधिकारियों को इंजीनियर्स को सारे कर्मचारियों को इस बात के लिए शाबाश देता हूँ, उन्होंने जो काम किया तमाम श्रम परिस्थितियों के बावजूद काम किया और राजस्थान ने देश को बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रही है कि आज हम 42 लाख से अधिक कनेक्शन है हमारे राजस्थान में है और करीब 31-32 लाख से अधिक कनेक्शन राजस्थान में हमें निगम के माध्यम से नए दिए, पर हमारे यहाँ स्थिति है खर्चा भी खेतों का हमारा बराबर नहीं है, हमारा खर्चा पड़ रहा है 55%, उनका खर्चा पड़ रहा है 45%, और ये जो अभी 5 बड़ी परियोजना जिनको मंजूरी दी है उनमें तो हमारा खर्चा लगभग 2/3 आ रहा है, 65% खर्चा हमारा है, उसके बावजूद वो अगर जेजेएम को खुद की उपलब्धि बताए और गृह परियोजनाओं को खुद की उपलब्धि बताए तो जनता विश्वास करने का नहीं है। राजस्थान की जनता देख रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार शानदार तरीके से काम कर रही है, जन सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और आगे बढ़कर चाहे वो जेजेएम की बात हो या दूसरी परियोजनाओं की बात हो, राजस्थान की गहलोत सरकार राजस्थान की जनता की पूरी तरीके से सेवा कर रही है। आप कोई पूछना चाहे बात? जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने राजस्थान को अब तक कितना पैसा दिया, उसमें से कितना पैसा अपने खर्च कर पाए, और बहुत सा पैसा इसलिए खर्च नहीं कर पाए क्योंकि अपने उसमें हिस्सेदारी अपने राज्य की नहीं मिला पाए, इसलिए वो पैसा, वो उनका आरोप है कि वो पैसा यूज नहीं कर पा रहे। 16,000 करोड़ से अधिक हमने टोटल खर्च किया, भारत सरकार ने कितना दिया इसका 45%, और कोई पैसा नहीं दिया वो राज्य सरकार दे रही है।
जो 10% करता है 5% करता है कमेटी का निर्देशन का जो करता है जो वो पता राज्य सरकार ने ग्रहण करने की पहले घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। हमारा लक्ष्य हम अभी तक जो है पहुंचे हैं, हमारा 92 करोड़ का लक्ष्य, 92 लाख का लक्ष्य हमारा था, उसमें से हम अभी तक लगभग 45% भी नहीं पहुंचे, 50% नहीं पहुंचे, अभी 50% नहीं पहुंचे। क्या लगता है कि 2024 तक केंद्र ने हमें टारगेट किया है, हम कब तक इसे, हम लगातार मांग कर रहे हैं, बहुत सारे राज्य मांग कर रहे हैं, काम जो होता है काम में जो मिनिमम समय लगता है वो लगता ही लगता है, इसलिए जे जे एम की जो अभी काम कर रहे हैं हमारी आज ये हमारे और बहुत सारे राज्यों की डिमांड है, हमारे तो अलग से ये डिमांड भी है कि हमें अभी कर्जा दिया जाए, हमें मालूम है कि चौथा गजेंद्र सिंह जी वाला मंत्री ने हमारी सुनवाई नहीं, राजस्थान की कोई सुनवाई गजेंद्र सिंह जी के जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री रहते हुए उस बात के समस्या संबंधित कोई सुनवाई मांग पे वो ध्यान नहीं देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ गजेंद्र सिंह जी से, उन्होंने राजस्थान के लिए किया क्या, राजस्थान का पांच जल जो है वो पड़ोस राज्य में जा रहा है, राजस्थान का जल दूसरे देश में जा रहा है, राजस्थान को उसका हक दिलाने के लिए भी अगर गजेंद्र सिंह जी ने कुछ किया हो तो राजस्थान की जनता को पता होना चाहिए कि ये उन्होंने किया। तो गजेंद्र सिंह कनेक्शन हुए राजस्थान में, सतही पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है, 42 लाख कनेक्शनों में से कितने कनेक्शनों में पानी है, तो 92 लाख कनेक्शन होंगे उनमें कितने में पानी की उपलब्धता हो पाएगी, राजस्थान में पानी का तो क्राइसिस है, पानी कहाँ से आएगा? निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए अब तक जो राजस्थान का पूरा जो परिप्रेक्ष्य हमारे सब जगह कनेक्शन नहीं थे पास से, लेकिन जितने बड़े रेवेन्यू मिले थे जहाँ पे हमारे कनेक्शन थे, हमारे कनेक्शन से 50% एरिया कनेक्शन से सर्विस वाटर से 40% एरिया, हम जब जे हमारा पूरा हो जाएगा तो 40% एरिया को हम और सर्विस वाटर से जोड़ जाएंगे, और जो 50% एरिया में कनेक्शन नहीं थे सब जगह थे गाड़ियों में जितने छोटे गाँव में जितने, लेकिन बड़े रेवेन्यू मिले थे कनेक्शन थे उनको हम सर्फेस वाटर से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। 5% एरिया है जहाँ पानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और 5% एरिया में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है उसके बारे में हमें चीज करनी है। आपको सर क्यों लगता है कि क्या कारण है कि गजेंद्र सिंह राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो संजीवनी को लेकर मुख्यमंत्री हम बैठक कर रहे हैं इस कारण से? देखिए संजीवनी पे तो अटैक मुख्यमंत्री इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के ही लोगों की पीड़ा है उस मुख्यमंत्री जी से आगे जब लोग ये बात कहें आंखों में आंसू लेके अपने ये समझ लीजिए बहुत तीन अवस्था में लोगों ने लोग आ गए हैं, लोगों ने अपना पैसा विश्वास करते हैं कि भाई बड़ा आदमी इस सोसाइटी के पीछे है, अपने जीवन भर की कमाई उसमें लगा दी, तो उनका उनको हक दिलाना राजस्थान तो वो संजीव ने घोटाले की बात को अलग होता है, जेजेएम अलग होता है, लेकिन आपने कहा है तो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी सारी बातें हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार का संजीवनी घोटाले की तरफ ध्यान नहीं है। मेरे को मुख्यमंत्री जी ने खुला आरोप लगाया कि पैसा विदेश में, मैं तो बिना आरोप के ही कार्रवाई हो रही है, 100 करोड़ कार्रवाई हो रही है, फिर आरोप लगाने के बाद तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं, ने कार्रवाई की थी 3 दिन हो गए, ईडी मोस्टली या केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई करने के बाद प्रेस रिलीज जारी करती है और उस कार्रवाई के बारे में विस्तृत से बताती है, लेकिन राजस्थान में ये जो कार्रवाई हुई है 3 दिन बाद भी अभी तक ईडी ने ये इन्फॉर्म नहीं किया है कि कार्रवाई क्या थी, किस संदर्भ में की गई, क्या लगता है पॉलिटिकल है या हमें इंतजार कर रहे हैं कि वो कोई प्रेस नोट जारी करें, विज्ञप्ति जारी करें, ईडी को क्या मिला नहीं मिला। देखिए हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखते, लेकिन इस बात की हमारा इस बात का हमारा कहना है कि इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना, इन जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम करने की छूट होनी चाहिए,
कोई गलती करता है निश्चित रूप से उसके खिलाफ काम है। राजस्थान में जो हम बात कर रहे हैं, कितने छापे जो एसीबी ने मारे हैं, जितने ट्रैप की कार्रवाई एसीबी ने करी है, शायद देश की किसी भी एंटी करप्शन ब्यूरो किसी भी प्रदेश में इतनी कार्रवाइयां नहीं करी। हम इस बात को जानते थे, जितनी ज्यादा कार्रवाइयां होंगी उतना ज्यादा राजस्थान बातें आएंगे। लोग कह रहे हैं ये करप्शन हो रहा है, वो करप्शन हो रहा है, लेकिन सिर्फ इस बात से डर के कि प्रेस में बातें आएंगी, हम हमारी जो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उससे कोई समझौता नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, और मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहा, तुमने कहा आने दीजिए। अभी जो कटारा को उनको हटा के भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा भाई कोई कितना ही बड़ा आदमी अगर उसके खिलाफ प्रमाण है और आरोप है तो उसको पद पे रहते हुए पकड़ेंगे तो लोगों को ये सबक मिलेगा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितने बड़े पद पे हो, कोई ये गलतफहमी नहीं पाले कि मैं बड़े पद पे हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। कितने बड़े पद पे हो, ये राजस्थान की एसीबी है जिसने बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी है, नीचे से लेके ऊपर तक जहां जहां पे भी जानकारी मिली है भ्रष्टाचार की, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कोई कार्रवाई करी और आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सारे लोग कान खोल के सुने, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो उन सारे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और एसीबी को जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी एसीबी किसी को बख्शेगी नहीं। सर आपके महकमा भी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत से लोगों पे आरोप लगे हैं। हमारे यहाँ भी चीफ इंजीनियर सस्पेंड है, उसके बाद भी वो मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। कई सांसदों ने शिकायत की सर, कई अलवर सांसद ने की, अजमेर सांसद ने की है, तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को जल जीवन मिशन में अधिवक्ताओं की शिकायत है। जांच होना कोई ऐतराज नहीं है, कोई अगर जांच करती है कोई एजेंसी ने कहा, हम सब एजेंसियों में चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की, किसी के प्रति को दुराग्रह नहीं रखते। जांच हो, निष्पक्ष तरीके से हो और समान तरीके से सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठो, आप ईडी आ जाए तो संजीव जी को बख्श दे। सीएम साहब का यही कहना है कि जो बेसिकली क्या भाजपा सांसदों या बीजेपी के आमंत्रण पर यहाँ ईडी आ रही है या जो वास्तविक रूप से जो एनिमिस्ट आए हैं उनकी जांच करनी, ये तो ईडी बताएगी वो किसके कहने से आ रही है। आपको क्या लगता है ये अभी जो कार्रवाई हुई है, दिखती ही बातें हैं, अब तक जितनी कार्रवाई ईडी ने करी चाहे वो दिल्ली में करी हो चाहे किसी राज्य में करी, जहाँ चुनाव आते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है, जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहुंच जाता है, कांग्रेस सम्मेलन करती है छत्तीसगढ़ में अपना अधिवेशन करती है, वहां पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये पहुंच जाते हैं। स्थिति यह है वो जानते ही नहीं है कि कोई विपक्ष रहे भी ऐसे विपक्ष को कुचला जा सके, इस भाव से ये जो सरकारी एजेंसियां जांच एजेंसियां हैं इनका उपयोग किया जा रहा है इस दुरुपयोग के खिलाफ। लेकिन सवाल आपके विभाग पे भी उठते हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जेल जा चुके हैं उनको आपने जेजेएम का मुखिया बना रखा है। देखिए जब उसके अंदर दो बातें हैं, एक बात तो यह है कि कुछ पैरामीटर्स हैं कि उनको हमको अपनाना पड़ता, कोर्ट अगर किसी को बाहर कर देता तो उसको बाहर नहीं करना पड़ता, उसमें आपत्ति ये होती है कि भाई इस जगह नहीं लगा सकते इस जगह लगा सकते। नहीं सर, सिविल सर्विसेज रूल में ये एक्ट है कि अगर कोई आदमी भ्रष्ट आचरण में पाया जाता है तो उसे प्रमुख पद पर नहीं दिया जा सकता। आपने तो जेजेएम दे रखा है एकदम सबसे, आपने तो ऐसा मिशन दे रखा है जो सारे उस पे अटका हुआ है, फिर आप अपने केंद्रीय मंत्री के आरोपों को गलत बताते हैं। एक ऑफिसर बात करना, अधिकांश जगह पर ऐसी चीजें हैं जहाँ अयोग्य अधिकारी योग्य पदों पर बैठे और योग्य अधिकारी दरकिनार नहीं किया जाता। जब कोर्ट का आदेश आता है तो बाहर भी करना पड़ता है, कोर्ट अगर भरी कर देता है तो सारी बातें भी खत्म हो जाती है। हम कोई आदेश निकालते हैं, कोई स्थिति आते हैं, वो भी हमारी परेशानी है, तो बहुत सारी परेशानी है। लेकिन इतना आपको कहना चाहता हूँ, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देने की हमारी किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं। चुनावी सर 14,000 करोड़ का काम दे रखा, 14,000 करोड़ का हम चीफ इंजीनियर को बोल रहे हैं,
वही सब पांच में एक भी सुनो सुनो जवाब आने दो। उनको जो रेगुलर उसमें जो सीमा है यदि हमें लगाने से कहीं विदेशों का वेला नहीं होगा और कहीं लगाकर का वेला होगा। एक कोबरा के लिए आपने तारीफ की अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब ये भी आपने रिव्यू किया है क्या कि बार बार शटडाउन हो रहा है, मॉनिटरिंग जो भी आपकी उसकी पूरी होनी चाहिए, उसका ठेका भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद मेंटेनेंस नहीं हो। अपन हर साल हर महीने करोड़ों पैसे दे रहे हैं उसकी मेंटेनेंस के, फिर भी हर 10 दिन में शटडाउन लेना पड़ता है। थोड़ी देर पहले से हमने इसको चर्चा की कि हम कैसे अपने चीफ मिनिस्टर के साथ बात की, हम कैसे कोशिश करें कि हम इसकी मेंटेनेंस को कैसे कर सकते, इससे शटडाउन कौन से रूल करना पड़े। मुझे बताया गया कि अगर हम पूरे सिस्टम को अगर उसको हम मेंटेन करने की पूरे सिस्टम में कोशिश करते हैं 7 दिन तक कम से कम हमको शटडाउन रखना है। हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं 7 दिन तक की कि हम इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों को कही उनका पूरा भी सब अगर हम पूरी लाइन को